वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है वाटर वॉश करने का जो मशीन होता है हम लोगों का के बारे में, तो आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें कि हम लोगों का गैरेज पर एक ज़रूरत होता है बाइक धोने का मशीन और हवा देने का कंप्रेसर मशीन, बट ये दोनों मशीन हम लोगों को चलाने के लिए अलग अलग मोटर लेना पड़ता है, अलग अलग फेरिंग बनाना पड़ता है। आज आप लोगों को बताऊँगा एक ही मोटर रहेगा और आप लोगों को जैसे कि कंप्रेसर मैशिंग भी मिल जाएगा और जिसपे कि बाइक धोने का मैशिंग भी मिल जाएगा जैसे कि आप लोग दिख रहे हो। तो गाइस एक्चुअली आप लोगों को बताऊंगा जो इसमें कितना खर्चा आएगा और जैसे क्या क्या करना पड़ेगा और जैसे पानी का लाइन हम लोग कैसे करें। तो गाइस इसमें एक हमने अलग खास किया है जो इसका पानी का सिस्टम है, हमने कोई जैसे कि टैंकी नहीं बनाया है, सिर्फ जो हम लोगों का ज़मीन के अंदर से जो बोरिंग होता है ये पाइप जैसे कि ज़मीन के अंदर से है नीचे वहाँ मैंने किया है आगे, और वो हम लोग का ओवरफ्लो का पाइप है, तो हमने कोई टैंकी वैंकी नहीं किया है, डायरेक्ट हम लोगों का पानी इसमें आ जाएगा। एक्चुअली आप लोगों को दिखाऊंगा और जैसे कि यहाँ दिख रहा है टैंकी के अंदर हमने दिया है एक जैसे कि पत्ती दिया है, यहाँ वेल्डिंग किया है। करने के बाद इस साइड पर हमने वेल्डिंग इसीलिए नहीं किया है, हम लोग का जो मीटर है मीटर को हम लोग जैसे कि घुमाएँगे खुलेंगे मीटर देख सकेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा मीटर उस पार है बट मैं मीटर को इस पार कर दूंगा और ये मैंने इस टाइम बनाया है जिसमें कि हम लोग का बाइक धोने का मैशिंग जो है मैशिंग हम लोग का अच्छी तरह से बैठ जाए और बेल्ट का माप भी ठीक हो जाए। अब सवाल है यही जगह पर हमने एक जैसे पत्ती भी दिया है, देने के बाद इसको बना दिया है। अब यहाँ देखिए जैसे कि ये मोटर हम लोग का ये बेल्ट हम लोग को लेकिन खोलना पड़ेगा, जब भी ये मैशिंग काम करेगा तो बेल्ट इस पर चढ़ जाएगा और जब ये हम लोगों का काम नहीं करेगा तो जब हम लोग का हवा अगर टैंकी में देना है तो इसको हम लोग खोल लेंगे और इस पुली के अंदर साथ जैसे कि अभी दिखा रहा हूँ इसको हम लोग लगा लेंगे इसके अंदर और इसको खोल लेंगे और ये हम लोग का काम करेगा। तो गाइस कुछ वीडियो आप लोगों को बनाया है कैसे हम लोग बनाएँ क्या क्या करें सब आप लोगों को बताऊँगा, तो चलिए वीडियो क्लिप देख लीजिए फिर आप लोगों को जैसे कि बाइक धोने का जो हम लोगों का सिस्टम वो काम कर रहा है कि नहीं वो आप लोगों को दिखाऊंगा। गाइस मैंने लिया है जैसे परसों लाया था और आज जैसे कि हम फिट करेंगे तो ये है मैशिंग, ठीक है गाइस ये है मैशिंग हम लोगों का, ठीक है, और ये अच्छा क्वालिटी है और इसमें सब किट दिया गया है, तो लेकिन आप लोगों को फिटिंग करके दिखाऊँगा और एक्चुअली इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा जिसमें कि फिट करेंगे हम लोग। और एक्चुअली ये वीडियो बनाने में थोड़ा हमको टाइम लगेगा और एक साथ आप लोगों को बाइक वॉश करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा ये इंगल होता है लोहा का, ये इंगल आप लोगों को मार्केट से लाना है और एक ग्रिल मैकेनिक का ज़रूरत है। तो ये मेरा बाप है भतीजा, बहुत दिन से काम करता है, अनुभव तजुर्बा है इसको काम करने के लिए, तो इसी के हाथ से मैं आज फिट करूँगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सो गाइस ऑलरेडी मैंने फिट कर लिया है। अब आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिसमें कि आप लोग अगर फिटिंग करें तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा और मेरा जैसे बन जाएगा। तो आप लोगों को तो दिखाया ये चैम्बर मैंने बनाया है, बनाने के बाद इस बेल्ट को हम लोगों को मापना है कितना बेल्ट नंबर लगता है। गाइस ये है बी पुली और 47 नंबर इसका बेल्ट मैंने लिया है। तो फिलहाल इस बेल्ट को मैंने टाइट कर दिया है और जब भी हम लोग उपयोग करें गाड़ी धोने के लिए इस बेल्ट को इसके अंदर अटैच करना है और जब भी हम लोग कंप्रेसर मैशिंग चालू करें तो इसको खोलना पड़ेगा और यही बेल्ट जिसमें कि हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो एक साथ हम लोगों का दो मैशिंग नहीं चलेगा बट चलेगा, इसके लिए अलग पुली आप लोगों को बैठाना पड़ेगा लेकिन सेंडर करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता है जो एक साथ दो चीज़ चलाना सही होगा।
हम लोग को जरूरत नहीं है, दिन भर एक बार हम लोग जैसे कि अगर हवा लोड कर ले तो पूरा दिन चल जाता है, तो सुबह हम लोग जैसे कि हवा लोड कर सकते हैं और लोड करने के बाद इस बेल्ट को खोलने के बाद सारा दिन हम लोग बाइक वॉश कर सकते हैं। तो मैंने कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताया, जो गाइस ये है हम लोगों का मेन कनेक्शन इनपुट लाइन, जो जमीन के नीचे से डायरेक्ट पानी आता है, मैंने इसी जगह पर खोला है, जैसे कि इसी जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी जगह मैंने खोदा है और नीचे जमीन से अंदर से बोरिंग करके पाइप लगा के यहाँ से हमने पाइप लेके चला गया। इस हिसाब से यहाँ से कटने के बाद, जैसे जमीन को कटने के बाद यहीं से डायरेक्ट इनपुट भर दिया है। अब सवाल है, एक हम लोग का ओवरफ्लो पाइप होता है, वो भी पानी हम लोग जैसे कि यहाँ से जैसे कि डायरेक्ट जमीन के देके लेके चला गया हूँ और इसी जगह से जैसे कि ओवरफ्लो का पाइप भी आएगा, यहाँ पानी हम लोग का गिर जाएगा और जैसे जाने के बाद जैसे कि हमने एक चीज़ बनाया है, देखिए ये हम लोगों का डब्बा है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस डब्बा से जैसे कि पानी जाएगा और गाइस यहाँ से डायरेक्ट टैंकी के अंदर, मैंने कुआं बनाया है, इस कुआं के अंदर कचरा पानी जाएगा, जिसमें कि कचरा वगैरह इसके अंदर रह जाएगा और पानी चल जाएगा। तो पानी फैलने के लिए मैंने ये बनाया है और जैसे कि यह डब्बा बनाया है, अब यहाँ से हम बाइक धो सकते हैं आराम से। अब गाइस आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें हम लोगों का तीन कनेक्शन दिया गया है, थ्री लेयर है, थ्री पिस्टन है, इसमें हम लोगों को जब भी एक ही कनेक्शन मैं करा हूँ, अगर जैसे कि दो कनेक्शन ज़रूरत होता है, ये सब होता है जैसे कि घास धोने के लिए, सब्जी में जैसे कि कीड़ा मारने के लिए, ये सब ज़रूरत होता है अलग अलग करके। अब यहाँ दिया गया है मीटर है आपका, ये मीटर का कितना आप लोगों को रेंज हो रहा है, इससे हम लोग जैसे कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसे टाइट करें तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर इस चीज़ का बढ़ जाएगा, और ढीला करें तो हम लोग का ओवरफ्लो जो पाइप है इससे ज़्यादा पानी जाएगा। तो इससे हम लोग जैसे बंद भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं, और लाइन टोटल अगर बंद कर दे तो इस तरह से बंद हो जाता है। अब सवाल है, इसमें हम लोगों को मैशिंग में इंजन ऑयल देना पड़ेगा, तो 800 ml इंजन ऑयल हमें इसमें डाला है, तो सब कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक वॉश करके, जो बाइक हम लोग का वॉश हो रहा है कि नहीं, तो चलिए हम शुरू करते हैं बाइक धोने के लिए और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोगों को दिखाया बाइक धोने का मशीन जो होता है, इसका प्राइस कितना है, आप सब प्राइस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इसमें खर्चा कितना आया सब आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस एक्चुअली मेरा खर्चा ज़्यादा आया, क्योंकि मेरा जो पानी जो निकास है वो नहीं था, मैंने मुझे एक्स्ट्रा जैसे कि कुआं बनाना पड़ा, और पानी हम लोग जैसे कि बाइक धोने का जो पानी है उसे जैसे कि कुआं के अंदर डालना पड़ता है, यहाँ कोई ड्रेन नहीं है, तो इसके लिए मेरा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। तो जैसे कि फिलहाल मान लीजिए इस चीज़ का दाम है 4,500 रुपया, इस मशीन का दाम है, मोटर आप लोगों को लगभग 8,000-8,500 में मिल जाएगा या 9,500 में, दो घोड़ा का मोटर, यह पुराना मोटर है मेरा, बट आप लोग अगर खरीदे तो लगभग 9,500 के आसपास में आप लोगों को दो घोड़ा का मोटर लेना पड़ेगा, और कंप्रेसर मशीन जो गैस लगभग 9,000 के आसपास में। अब सवाल है, ये सब कनेक्शन करने में मुझे लगभग 5,000 रुपया लगा है, कुआँ का लगा है जैसे कि 3,500 रुपया, और जैसे कि कुछ वगैरह वगैरह पाइप का है, आबी जाबी है, सब मिला के इतना हुआ है। तो आप लोगों को बताया जैसे कि मैशिंग का 4,500 रुपया, मोटर का 9,500 रुपया, कंप्रेसर मैशिंग का 9,500 रुपया, आप लोग मन में कर लीजिए कितना कितना हुआ है। मेरे चैनल पे जुड़े हो सजीर भाई गुरु चैनल में, तो आप लोगों को कॉन्टेंट जेन्युइन देता हूँ, क्योंकि ये कंप्रेसर मैशिंग अगर आप लोग खरीदते हैं, खरीदने के बाद अगर मन करता है कि अगर बाइक भी मैं धोऊँ, हम लोग का काम है मैकेनिक का काम है, हमारे पास जब भी बाइक आते हैं जैसे कि सर्विसिंग कराने के लिए, तो हम लोग को सबसे पहले बाइक धोना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर बाइक जाएंगे धोने, बहुत टाइम लगता है, अगर हमारे पास आता है तो जब बाइक धोने का सामान रहता है तो हम लोग इंजन का काम करते हैं, इंजन भी सफाई कर लेते हैं, बाइक भी धो लेते हैं, सभी कुछ कर लेते हैं, हम लोग को ज़रूरत होता है हवा देने का मशीन, बाइक धोने का मशीन, हम लोग का मैकेनिक का एक टूल्स है, ये सब रहेगा तभी हम लोग का काम बनेगा गाइस। तो गाइस यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोग कुछ अलग सीखे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।